आज क्या हो रहा है इंडिया के अंदर। आज हम हॉस्पिटल में बैठे, मैं हॉस्पिटल में बैठा, हॉस्पिटल के बेड्स खाली रखे गए हैं, राइट। नॉन इंपॉर्टेंट कोई भी नॉन जरूरी, जिसको एडमिशन की जरूरत नहीं उसको नहीं लिया जा रहा, जिसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट, ओपीडीज बंद है, सारी तैयारी कोरोना के लिए, कोरोना वायरस के लिए। आप समझ रहे हैं क्यों? अब ऐसे में डॉक्टर्स फिर भी हॉस्पिटल आ रहे हैं, नर्सेज हॉस्पिटल आ रही हैं, आईसीयू में पेशेंट्स जो हैं ऑलरेडी उसको ठीक करने के लिए, उनको देखने के लिए, और सारे के सारे वार्ड बॉयज और ये लोग भी आ रहे हैं। ये अपने एक रिस्क उठा रहे हैं कि हाँ इनको कोरोना हो सकता है। हम यहां से घर जाने के बाद पहले अपने कपड़े उतार के, नहा धो के, सारे के सारा स्टरलाइज होके ए टू जेड फिर अंदर जाते हैं, क्योंकि हमें अपने घर वालों की भी चिंता है। लेकिन अब लोग इतने डर गए हैं कि डॉक्टरों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। जो डॉक्टर्स किसी के घर में रेंट पे रह रहे हैं, लोग कह रहे हैं आप यहां से खाली कर दो, क्योंकि आप हॉस्पिटल जाते हो तो आप वायरस लेके हमारे पास आ जाओगे, हम नहीं मरना चाहते। लोगों में इतना डर है कि उनके अंदर वायरस चला गया तो वो मर ही जाएंगे। वो ये नहीं समझ रहे कि वो उनके अंदर वायरस चला भी गया तो 95% चांस है कि उनको कुछ नहीं होगा। 95% चांस, मतलब अगर आप डेटा निकाल के देखें भी तो इसका डेथ रेट है इसका 1-3%, 1-3%। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जिस इंसान के अंदर ये जाएगा, 80% लोगों को तो थोड़ा सा सिम्टम होंगे या कुछ को नहीं भी होंगे और वो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, घर में बैठे बैठे अपने काम करते करते ठीक हो जाएंगे, ठीक। और बाकी के 15-20% लोग में से जो 15% है उनको थोड़े ज्यादा सिम्टम्स आएंगे, माइल्ड टू मॉडरेट, और वो डॉक्टर की सलाह से दवाइयां लेके ठीक हो जाएंगे। बचे सिर्फ 5% लोग, वो 5% लोगों को सीरियस बीमारी हो सकती है, वो 5% लोगों को दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, वो 5% लोगों को हॉस्पिटल में देखरेख की जरूरत पड़ सकती है, आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है, डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, नर्सेस की जरूरत पड़ेगी। और अगर डॉक्टर और नर्स नहीं उनकी देखभाल करेंगे तो वो 5% लोग कैसे बचेंगे? 5% कम लगते हैं, सोचने में कम लगते हैं, पर 130 करोड़ लोगों के 5% कितने होते हैं? 130 छोड़ो, 130 में से अगर ये इस वायरस सा बहुत जल्दी फैल रहा है, आप देख रहे हो दिन में डबल, फिर दिन में ट्रिपल डबल हो जा रहे हैं पेशेंट्स, इतने जल्दी फैल रहा है, इटली का डेटा निकाल के देख सकते हो, दिन दिन में फट फट फैल रहा है। तो अगर ये पेशेंट, इसको छोड़ दिया गया, खुला छोड़ दिया गया, सब कुछ लॉकडाउन नहीं किया, तो 60% पॉपुलेशन तो कहीं नहीं, 30-60% पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी, 30-60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाएगी, मतलब 40-80 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, उसमें से 95% मैंने बताया, 80% 15% 95% ठीक हो जाएंगे बिना ज्यादा चिंता के, माइनर दवाइयों से, घरेलू नुस्खों से और ऐसे ही वैसे। लेकिन 5% लोगों को हॉस्पिटल में डॉक्टर की जरूरत है। 5% 80 करोड़ का होता है 4 करोड़। 4 करोड़ लोगों को हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की जरूरत होगी। पूरे इंडिया में सिर्फ 1 लाख आईसीयू है, सिर्फ 1 लाख। 4 करोड़ों को कहां रखोगे? कौन डॉक्टर देखेगा? अगर डॉक्टरों को भी तुम निकाल दोगे और डॉक्टर भी बीमार हो जाएंगे तो कौन देखेगा उनको? कौन बचाएगा? दूसरे पेशेंट्स नहीं आ रहे क्या? दूसरे पेशेंट्स भी आ रहे हैं, दूसरे जिसके हार्ट अटैक है, जिसको एक्सीडेंट हो रहा है, जिनको दूसरी बीमारियां हैं, सीरियस हो रहे हैं, किडनी पेशेंट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कौन देखेगा अगर आप डॉक्टर को सपोर्ट नहीं करोगे? आज के डेट में लंदन में भी डॉक्टरों को सपोर्ट किया जा रहा है, वहां पर भी ऐसा है, हर जगह ऐसा है, लोगों में इतना डर फैलाया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े लोग या ऐसे कुछ बहुत ही ज्यादा दिमाग वाले लोग ऐसे सोच रहे हैं कि डरा दो लोगों को। डर भाई साहब बहुत जोरदार तरीके से फैलता है, डर खूंखार तरीके से फैलता है। जब डर फैलता है तो वो आपको अंदर से झिंझोड़ देता है, आप पागलपन पे उतर आते हो, कुछ भी करने लगते हो, फिर धड़ाधड़ सामान इकट्ठे कर लेते हो, दो दो तीन तीन महीने का राशन ले लेते हो, घर पे रख लेते हो कि राशन के रेट ही बढ़ जाते हैं, राशन ले लेते हो, राशन के रेट बढ़ जाते हैं, डॉक्टर को घर से निकाल देते हो,
डॉक्टर बीमार हो जाता है, आप जाते हो ठीक कराने, आपको डॉक्टर मिलता, आप भी नहीं बचते, डॉक्टर भी नहीं बचता, देश भी नहीं बचता। ये हिसाब है डर का। सो मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग इतना डरा रहे हैं, नॉलेज क्यों नहीं देते हो भाई, नॉलेज क्यों नहीं देते हो? समझाओगे तो क्या समझेंगे नहीं? बेवकूफ थोड़ी है लोग। जो लोग घर में अपने डॉक्टरों को रख रहे हैं, क्या वो डॉक्टर समझाएंगे नहीं उनको? मगर आप अगर उनको डराओगे, बड़े बड़े लोग डराएंगे, तो कैसे होगा? अगर 95% चांस है जिसको इन्फेक्शन होगा वो ठीक हो जाएगा, तो भाई साहब क्यों डर रहे हो आप? आपको तो सिर्फ डॉक्टर के पास रहना है, पकड़ पकड़ के डॉक्टर को अपने घर में रखो कि वो सिम्टम्स पहचान लेगा। डॉक्टर साहब मेरे घर में आके रहो, मेरे घर में आके रहो, मेरे को देखते रहो रोज, ताकि मेरे को पता चल जाए मेरे को हो रहा है। जो पहले ट्रीटमेंट ले लेगा वो ठीक हो जाएगा, जो पहले ट्रीटमेंट ले लेगा, जो जल्दी ट्रीटमेंट ले लेगा, जो जल्दी डायग्नोस हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टरों को घर से निकालने का मतलब क्या हुआ? नर्सेस को, डॉक्टरों को, जीडीएस जनरल ड्यूटी असिस्टेंट स्टाफ को घर से आने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी बस्ती में रहने वाले गरीब लोग जो 5,000-10,000 कमाते हैं हॉस्पिटल आके, उनको वहां उनके लैंडलॉर्ड कह रहे हैं हम अपना घर बदल दो, घर छोड़ दो, नहीं तो हॉस्पिटल जाना बंद कर दो। आने के लिए रिक्शा नहीं मिलता है, रिक्शे वाला बोलता मैं नहीं बिठाऊंगा, आप डॉक्टर हो, मैं नहीं बिठाऊंगा, आप तो हॉस्पिटल से आते हो। पागल हो गए हो क्या? वो तुम्हें देख लेगा, वो फिर भी बता देगा कि हाँ आपको सिम्टम है, आपको टेस्ट कराना चाहिए। डॉक्टरों से दूर मत भागो, उनको पकड़ो, जितने डॉक्टर के पास जाओगे उतने बचोगे। ये खेल है, कौन बचेगा कौन नहीं, बात समझ आ रही है? सो डॉक्टरों को यहां पे दिक्कतें हो रही है, ये गवर्नमेंट ने देखना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। जब जरूरत, अभी फिलहाल क्या हो रहा है, अभी फिलहाल केसेस कम है, तो डॉक्टरों की ऐसी तैसी करी जा रही है, लिटरली ऐसी तैसी हो रही है। रस्ते में रोक के पुलिस वाले कहते हैं अरे सर मास्क, हमारे पास ही मास्क नहीं है, हम किसको दे दें, हम कहां से दे दें, हमें मांग मांग के मास्क पहनना पड़ रहा है, मांग मांग के पहनना पड़ रहा है, बताओ, हॉस्पिटलों से मांग मांग के मास्क पहनना पड़ रहा है, मास्क ही खत्म हो जाते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर एक ही मास्क रोज पहनेंगे तो मास्क के ऊपर ही इंफेक्शन लगा हुआ, फिर तो पक्का इंफेक्शन होगा, सेम मास्क तो पहन नहीं सकते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू कैन नॉट विन दिस विदाउट डॉक्टर्स। अगर आज आपने डॉक्टरों का साथ नहीं दिया, पूरी दुनिया ने, ये इंडिया का नहीं है सिर्फ, पूरी दुनिया ने आज अगर डॉक्टरों का साथ नहीं दिया, तो बहुत सारे लोग मरेंगे, इतने कि सोच नहीं पाओगे। इंडिया के अंदर 5% लोग भी अगर मरते, वैसे तो नॉर्मली जो डेथ रेट है 3% है, 3% इंडिया में 1 करोड़, 130 करोड़ का 3% हो गया 4 करोड़ लोग, अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ लोग मरेंगे पूरे इंडिया में, छोटी बात नहीं है। उनको बचाएगा कौन? डॉक्टर बचाएगा, और कोई नहीं बचाएगा। दवाइयों के साइड इफेक्ट्स है, तभी तो डॉक्टर देता है निगरानी में, वरना वो नहीं बोल देते ना ये दवाई के लिए ये ले लो, जाओ घर जाओ खुश रहो, साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए खुद से नहीं लेना होता, मेडिकल साइंस है ये। डॉक्टरों के, नर्सेस के लिए, स्टाफ के लिए, जीडीएस के लिए गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज ने, हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने प्रबंध करने चाहिए, सिस्टम्स बनाने चाहिए। लंदन में लॉकडाउन में जब स्टोर खुलते हैं, पहला घंटा डॉक्टरों के लिए है, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, कि पहले जाके वो अपना घर भरें फिर काम करें। हॉस्पिटल्स में आना अपने आप में रिस्की होता है, डॉक्टरों के पास में ना तो प्रॉपर गाउन है, ना प्रॉपर मास्क है, ना सैनिटाइजर है। आप आज से 21 दिन की बात कर रहे हो, ये 21 दिन प्रिपरेशन इसी के लिए है। आप बचोगे नहीं बचोगे ये दो लोगों पे डिपेंड करता है, एक आप पे कि आप घर रहते हो कि नहीं रहते, और दूसरा गवर्नमेंट पे कि वो डॉक्टरों का ध्यान देती कि नहीं देती। अगर इस बीच एक पेशेंट आता है हॉस्पिटलों में
और वो एक पेशेंट उस एक एक हॉस्पिटल के हर एक डॉक्टर को इन्फेक्ट करके चला जाता है, या एक डॉक्टर को करता है वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। तो इतने डॉक्टर नहीं है इंडिया में, तो हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टरों से भर जाएगा और आप घर के घर रह जाओगे और बाकी जो बीमार रहेंगे वो फिर जय हो। तो डॉक्टरों को पूछो उनको क्या चाहिए कि सर आपको कोई दिक्कत है, आपको मास्क मिला कि नहीं मिला, क्योंकि अगर डॉक्टर बच गया आपके इलाके का तो वो आपके इलाके में और 50 लोगों को बचाएगा। सो 50 फैमिली मिलके एक डॉक्टर का ख्याल रख लो, आप बच जाओगे। गवर्नमेंट मिलके एक डॉक्टर्स का ख्याल रख ले, क्योंकि 10 डॉक्टर में से अगर 5 बीमार हो गए तो कौन बचाएगा? समझ रहे हो? बेड ऑलरेडी कम है, लाख एक लाख बेड है, 21 दिन में इतने करोड़ों रुपए लगा के भी तुम कितने ही वेंटिलेटर ला लोगे, कितने ही बेड बना लोगे? चाहिए तो आपको डॉक्टर ही, चाहिए तो आपको दवाइयां, चाहिए तो आपको प्रोटेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स, पहले वो लाओ। बस 95% चांस है आपको होगा भी तो आप मरोगे नहीं, बल्कि अगर लॉकडाउन के अंदर रहते हो, फॉलो करते हो और डॉक्टरों को सुविधाएं मिलती है तो 99% चांस है आपको कुछ नहीं होगा, और वो 1% में भी 0.5% लोगों को डॉक्टर खींच के बाहर निकाल लेगा। अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है।